हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बस्ती विधि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बस्ती ये एक पंचकर्म का ही एक भाग है। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने वमन और विरेचन के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम बस्ती विधि के बारे में देखेंगे कि डिटेल में अगर 15 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आपको किस तरह से लिखना है। तो ये जो टॉपिक है बस्ती, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको संहिता में एक ही जगह पे या एक ही अध्याय में नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह से रेफरेंस लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1, 2, 3 और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 25, 28 और अष्टांग हृदय में भी इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये सब रेफरेंसेस मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप चाहे तो एक बार इनको चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बस्ती विधि को किस तरह से हम 15 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। वैसे तो दो पार्ट्स होते हैं, जैसे निरोह बस्ती और अनुवासन बस्ती, आपको पता ही है। तो किसी भी एक प्रकार के बारे में भी आपको 15 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आ सकता है। जैसे निरोह बस्ती के बारे में लिखिए या फिर अनुवासन बस्ती विधि लिखिए या फिर पूरा कुल मिला के सिर्फ बस्ती विधि, इस तरह भी आपको 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि दोनों तरह से अगर सवाल पूछे गए तो आप किस तरह से 15 मार्क्स के लिए इनको तोड़ तोड़ के आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही आप अगर हमारे वेबसाइट जाए तो वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के पहले आप ये सारे बड़े टॉपिक्स जो हैं आप इजीली रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स के सहारे आप जा सकते हैं। तो अब हम बस्ती विधि शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बस्ती विधि अगर आता है 15 मार्क्स के लिए लिखने के लिए, तो वैसे तो ये सारे पॉइंट्स आपको दोनों ही तरह की बस्ती लिखने के लिए भी ये कॉमन पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। तो बस्ती विधि अगर आती है तो आपको सबसे पहले बस्ती की निरुक्ति लिखनी है, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखनी है यानी कि डेफिनेशन, उसके बाद जो बस्ती के योग्य या अयोग्य रोग रोगी कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी पंचकर्म का टॉपिक अगर आता है लिखने के लिए किसी भी पंचकर्म विधि के बारे में, तो आपको इसको तीन पार्ट्स में ही लिखना होता है, जैसे कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये भी मोस्टली तीनों दोनों तरह की बस्ती के लिए ये सेम ही होते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स हैं जो कि निरोह बस्ती के लिए अलग है और अनुवासन के लिए अलग है। तो वो भी कंपेरेटिव स्टडी जो है वो लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से ये एक चार्ट आउट करके आपको लिखना होगा, निरुक्ति, व्याख्या, उसके बाद बस्ती के योग्य अयोग्य रोगी, फिर पूर्वकर्म आएगा। पूर्वकर्म में आपको लिखना है जो कि द्रव्य संग्रह होता है या फिर जो संभार संग्रह है जिसको हम करते हैं, इक्विपमेंट्स जो हम कलेक्ट करके रखते हैं प्रोसीजर के लिए। उसके बाद आएगा आतुर परीक्षण यानी कि जो रोगी है उसकी परीक्षा करनी है आपको। उसके बाद आतुर सिद्धता यानी जो रोगी जो होता है उसको आतुर को जो है प्रिपेयर करना होता है हमको। उसके बाद आएगी मात्रा, जो बस्ती की मात्रा है, क्वांटिटी या फिर संख्या दोनों ही हो सकता है, तो वो आएगा मात्रा में। और उसके बाद जो है बस्ती द्रव्य, वो आपको लिखना है कि किस तरह बस्ती द्रव्य तैयार किया जाता है। तो ये सब पूर्व कर्म में आता है। इसमें जो मात्रा और द्रव्य है ये चेंज हो जाएंगे निरोह और अनुवासन के हिसाब से, बाकी तीन पॉइंट्स जो हैं स्टार्टिंग के वो सेम रहेंगे। इसके बाद जो प्रधान कर्म आता है, तो प्रधान कर्म में आता है, देखिए, बस्ती दान यानी बस्ती देना जो है वो सबसे पहले आता है। तो इसमें रोगी को किस पोजीशन में आपको लिटाना है, किस तरह से बस्ती देनी है, वो सब लिखना है आपको। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है बस्ती प्रत्यागमन, यानी कि जो दी हुई बस्ती है वो लौट कर आती है। तो वो प्रत्यागमन काल जो होता है वो भी दोनों बस्तियों का अलग अलग है, निरोह अनुवासन का, तो वो भी आपको यहाँ पे इस पॉइंट में कवर करना है। उसके बाद आता है बस्ती का सम्यक योग, हीन योग और अतियोग। तो ये जो पॉइंट है ये अलग से 2 या 4 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है, MCQs के लिए भी आ जाता है। और इसमें 15 मार्क्स के लिए भी कितना क्या लिखना है थोड़ा बहुत वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। उसके बाद जो आएगा पश्चात कर्म, तो बस्ती के जो हो जाने के बाद जो बस्ती के व्यापद है या उपद्रव जो होते हैं और उन व्यापक के क्या उपचार हैं, तो ये सब आपको पश्चात कर्म में लिखना होगा। उसके बाद जो पथ्यापथ्य है, आहार विहार है, संयम नियम है, जो अष्ट महादोषकर भाव होते हैं जिनको वर्जित कहा गया है, तो ये सब आपको पश्चात कर्म में कवर करना पड़ेगा। ये बस्ती के जो व्यापद और उपद्रव है ये भी अलग से फिर SAQ के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं कि चरकोक्त व्यापद कितने हैं, कौन से हैं, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है कि किस तरह से बस्ती विधि अगर 15 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आता है तो जनरली ये पॉइंट्स कवर करके आप लिख सकते हैं।
यही सेम पॉइंट्स रहेंगे निरोहा बस्ती के डिस्क्रिप्शन में भी और अनुवासन बस्ती के डिस्क्रिप्शन में भी, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। तो वो कहाँ पर करने हैं चेंजेस वो मैं आपको जैसे जैसे हम कवर करेंगे निरोहा बस्ती अनुवासन बस्ती वहाँ पर मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं निरोहा बस्ती से। निरोहा बस्ती को आस्थापन बस्ती भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो है बस्ती की निरुक्ति। तो देखिए क्या है बस्ती की निरुक्ति, वस धातु में जब तिच प्रत्यय लगता है तो बस्ती ये शब्द बनता है। तो बस्ती या बस्ती ये दोनों एक ही है, आप बस्ती भी लिख सकते हैं बस्ती भी लिख सकते हैं, मोस्टली बस्ती प्रयोग किया जाता है, पर वस धातु में तिच प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है। अब इसके बाद आप बस्ती की व्याख्या लिखेंगे। तो बस्ती की व्याख्या क्या है, जो श्लोक है चरकोक्त तो वो ये है, संस्नेह्य कायम सपुरुष दोषः सम्यक सुखेनेति च यः स बस्ती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाभि प्रदेश कटी प्रदेश, नाभि प्रदेश कटी पार्श्व और उदर प्रदेश में जाकर के जो मल और दोषों को के संचय को जो मत कर यानी कि विलोडित करके जो और शरीर का स्नेहन करके मल और दोषों के साथ जो सुखपूर्वक बाहर चली आती है यानी अच्छी तरह से बाहर चली आती है उसे बस्ती कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गुदा द्वारा जो औषधियाँ या फिर मूत्र मार्ग द्वारा जो औषधियाँ हम शरीर में प्रयोग करते हैं वो नाभि आदि इन सब भागों में जाकर वहाँ के संचित दोषों को विलोडित कर या मथ कर स्नेहन करके मलमूत्र के साथ वो औषधियाँ फिर से बाहर आ जाती हैं। तो इसी कार्य को हम बस्ती कहते हैं। तो ये श्लोक अगर आप लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है, एडिशनल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जितनी भी अच्छी तरह से लिख लें, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि श्लोक अगर आप लिखते हैं तो जिस तरह साइंस में हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह अगर आयुर्वेद में अगर श्लोक लिखे जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। तो इसलिए ये कुछ छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट श्लोक जो है इनको आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो मैं कवर करूँगी। तो सारे श्लोक आपको एक ही जगह कलेक्टेड मिल जाएंगे, तो उस तरह से आपको लर्न करने के लिए भी आसानी होगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि निरोहा बस्ती का अर्थ क्या है। अब इस बस्ती को निरोहा बस्ती और अनुवासन बस्ती इस तरह से दो नाम क्यों दिए गए हैं। तो निरोहा बस्ती, निरोह का मतलब है कि जो शरीर से दोषों को निकालने वाली है या फिर जो शरीर का रोहण करने वाली है, इसीलिए इसको निरोहा बस्ती कहते हैं। तो जो शरीर से दोषों को निकालती है मतलब शरीर का शोधन करती है या फिर शरीर का रोहण करती है, इसलिए इसको निरोहा बस्ती कहते हैं। अब यहाँ पर आप निरोहा बस्ती के पर्याय भी डाल सकते हैं, वो भी एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, पर निरोहा बस्ती के पर्याय जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि युक्तरथ बस्ती है। तो ये दो तीन पर्याय कुछ हैं बुक में मिल जाएंगे आपको, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है इसके बाद निरोहा बस्ती के अयोग्य रोग रोगी कौन से हैं। पहले आपको हमेशा अयोग्य लिखना है उसके बाद योग्य लिखना है। तो अयोग्य रोग रोगी कौन से हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे हैं पर यहाँ पर आपको कुछ ही नाम देके छोड़ देना है क्योंकि 15 मार्क्स के लिए आप इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रोग मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, तो ये 5-6 कुछ नाम आप लिख के छोड़ दें तो भी चल जाएगा। उसके बाद योग्य और अयोग्य का अलग से हम वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ये रोग रोगी हैं। तो अयोग्य में देखिए जिनको अजीर्ण हुआ है या जिनको जो अति स्निग्ध है, जो पीत स्नेह है, जिन्होंने अभी अभी स्नेह पान किया है, या जो वांत है विरिक्त है, जिन्होंने अभी अभी विरेचन और वमन ये कर्म कराए हुए हैं, जिन्हों छिद्रोदर जिनको हुआ है, जिन्हें जलोदर हुआ है, तो इन लोगों में जो है वो निरोह बस्ती इन लोगों में नहीं देनी है। फिर निरोह बस्ती के योग्य रोग रोगी कौन से हैं, तो इन सभी को छोड़ के जो अलग हैं, जैसे कि जिनको सर्वांगवात हुआ है, एकांगवात हुआ है, उदर रोग हुआ है, पार्श्व ग्रह है, पृष्ठ ग्रह है, कटी ग्रह है, या रजक्षह यह भी जिनमें हैं, तो ये सब जो है ये निरोहा बस्ती के लिए योग्य रोग रोगी हैं। तो ये सब कुछ डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे योग्य और अयोग्य के बारे में। 15 मार्क्स के लिए जब आता है तो बस 5-6 नाम लिख के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आते हैं पूर्व कर्म पे। तो निरोहा बस्ती का जो पूर्व कर्म है वो दोनों के लिए वो सेम ही है, निरोह बस्ती हो या अनुवासन बस्ती हो, दोनों के पूर्व कर्म में सबसे पहला पॉइंट आएगा द्रव्य संग्रह या फिर संभार संग्रह, जो कि इक्विपमेंट हम कलेक्ट करते हैं कोई भी कर्म स्टार्ट करने से पहले। तो जैसे आपका बस्ती नेत्र हो गया, स्नेह हो गया, तेल हो गया, पिचू है, बस्ती पुटक है, परिचारिका है, सब कुछ, ये सब शैया है, जो सुखद शैया है, जो बेड है, वो सब कुछ आ जाता है आपका पूर्व कर्म में। अब इसमें जो ये बस्ती नेत्र का पार्ट है
तो इसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि बस्ती नृत्य कैसा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, पुटक कैसा होना चाहिए, वो सब एक सेपरेट वीडियो में आएगा। बस यहाँ पर आप इतना बस्ती नृत्य ये सब पूर्वकर्म में आप ये लिख कर छोड़ दीजिए। अनलेस आपको पूछा जाए कि बस्ती नृत्य आप डिटेल में बताइए, ये पॉइंट आपको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है। इसके बाद का पॉइंट आपका आता है आतुर परीक्षण। तो आतुर परीक्षण यानी जो जिसकी बस्ती करानी है तो उसका परीक्षण करना है, उसकी अष्टविध या दशविध परीक्षा हम करेंगे, उसका सत्व सार सब कुछ जो है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन सब कुछ किया जाता है। तो ये आतुर परीक्षण में आता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आतुर का जो रोग है, उसको जो भी रोग हुआ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही बस्ती द्रव्य जो है वो निश्चित किया जाएगा कि कौन सी द्रव्य की बस्ती इसको देनी है। तो इसलिए जैसे मेदो रोग हो गए तो लेखन बस्ती देनी पड़ेगी, तो इस तरह से जो भी रोग हुआ हुआ है आतुर को, उस हिसाब से उसका बस्ती का द्रव्य जो है वो निश्चित होता है, उसकी मात्रा भी उसी हिसाब से निश्चित होती है, इसलिए आतुर परीक्षण इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आतुर सिद्धता। तो आतुर सिद्धता मतलब हमें रोगी को प्रिपेयर करना है, तो जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसके प्री बस्ती जो प्रिपरेशंस होते हैं वो इसमें लिखने हैं आपको। तो निरूह बस्ती के लिए ये पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभुक्त अवस्था यानी कि खाली पेट में या फिर पहले का खाया हुआ जब पच जाए तब, ऐसी अवस्था में निरूह बस्ती हमेशा दी जाती है। तो खाना खाने के बाद नहीं देना है, अभुक्त अवस्था होनी चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। तो ये एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में निरूह बस्ती दी जाती है, भुक्त अवस्था में या अभुक्त अवस्था में। तो ये आतुर सिद्धता का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट में है वो निरूह बस्ती की जो मात्रा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे बस्ती विधि में मैंने बोला था कि मात्रा ये पॉइंट आएगा उसके बाद में, तो मात्रा में निरूह बस्ती की जो मात्रा है वो अलग है और अनुवासन बस्ती की जो है वो अलग है। निरूह बस्ती के लिए जो मात्रा बताई गई है वो 1 से 80 वर्ष तक के लिए एक फिक्स्ड मात्रा, एक निर्धारित मात्रा आचार्य ने बताई है। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स में मैंने यहाँ पर डाल के बताया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में जो है वो एज लिखा हुआ है, वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए आतुर की, उस आयु के हिसाब से 2 तरह से मात्रा बताई हुई है, एक प्रसूत में है और एक पल में है। तो आप देखिए कि जो वर्ष है 1 से लेके 70 तक किस तरह लिखे हैं, 1 से लेके 18 है और 18 के बाद सीधा 70 है। तो अब यहाँ पर 1 से लेके 12 तक जो है मात्रा, तो वो पल में आप देखिए वो भी आप 1 से लेके 12 तक आप नंबर सीधी तरह लिख सकते हैं। तो 1 वर्ष की आयु में जो है 1 पल की मात्रा है, 2 वर्ष की आयु में जो है 2 पल की है, इस तरह 10 वर्ष की आयु में 10 पल है, 12 वर्ष की आयु में 12 पल है, ठीक है। अब प्रसूत में आप कैसे याद रखेंगे, तो पल की जो भी मात्रा दी गई है उसका जो आधा है वो प्रसूत में है, ठीक है। तो जैसे 1 वर्ष के लिए 1 पल है तो 1 का आधा क्या हो गया, आधा, तो आधा प्रसूत हो गया 1 वर्ष में। वैसे ही अभी 5 वर्ष के लिए क्या है, 5 पल है, 5 का आधा क्या होगा, 2.5, तो 2.5 प्रसूत है 5 वर्ष के लिए। उसी तरह देखिए 12 के लिए क्या है, 12 वर्ष का जो है 12 पल है, 12 का आधा हो गया 6, तो 6 प्रसूत है 12 वर्ष के लिए। तो इस तरह से 1 से 12 तक के लिए है। फिर 13 से लेकर 18 तक के लिए जो है वो जो पल में जो मात्रा है वो आपको 2-2 करके बढ़ानी है। तो जैसे 12 के लिए 12 हो गया, तो 13 के लिए आपको 12 के बाद 2 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 14 के लिए आप क्या करेंगे, 16। तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से ये 2-2 पल से बढ़ती है मात्रा, और उसी हिसाब से प्रसूत में आप क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। तो 14 का आधा हो गया 7, इसी तरह 8 का 16 का आधा हो गया 8, इस तरह आपको मात्राएं याद रखनी। तो इस तरह से ईजी हो जाता है याद रखने के लिए। तब 70 वर्ष के लिए देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 20 पल दिया है। तो 70 वर्ष के लिए कहा है कि जिस तरह से 16 वर्ष के बालक की मात्रा जो होती है वही 70 वर्ष और उसके आगे के लिए यानी कि 80 वर्ष तक के लिए, उसके आगे हम नहीं करते हैं बस्ती कर्म, तो 80 वर्ष तक के लिए ये मात्रा रखनी है जो है 20 पल यानी कि 10 प्रसूत। तो जब निरूह बस्ती की मात्रा ये पॉइंट आप लिखेंगे 15 मार्क के क्वेश्चन में, तो मात्रा के नीचे आप इसी तरह से 3 कॉलम्स बना दीजिए, एक में आप लिखिए वर्ष और दूसरे में दोनों मात्राएं लिखिए, एक प्रसूत में एक पल में। तो सबसे पहले आप वर्ष का कॉलम जो है फिल कर दीजिए 1 से लेके 18 तक और फिर 70 लिख दीजिए सीधी तरह। उसके बाद जो पल का कॉलम है वो आप 1 से लेके 12 तक 1, 2, 3, 4 करके फिल कर दीजिए, और 12 के आगे पल के कॉलम में आपको फिर 2-2 करके बढ़ाना होगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से। और जो प्रसूत की मात्रा है वो हमेशा पल की मात्रा के आधी होगी, तो उस तरह से आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से करके आप 6 तक पहुंच जाइए, और उसके बाद फिर
जो 14, 16, 18, 20 इस हिसाब से 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से होगा। और 70 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 16 वर्ष के बालक के हिसाब से, यानी कि 20 पल और 10 प्रसृत मात्रा होगी। तो इस तरह से निरोबस्थी की मात्रा का पॉइंट आप लिखेंगे जब 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये अलग से एस ए क्यू के लिए भी आ जाता है, 4 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क के लिए भी आ जाता है, निरोबस्थी की मात्रा लिखिए। तो इस तरह से चार्ट बना के ही आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखा दिया है जिस तरह से आसानी होगी आपको याद रखने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है निरोबस्थी द्रव्य का निर्माण। तो निरोबस्थी हो या अनुवासन बस्ती हो, उसके द्रव्य जो भी होता है वो लिखना होता है। तो निरोबस्थी के द्रव्य के निर्माण में ये तय किया जाएगा जब आतुर परीक्षण हो जाएगा, जब आतुर की परीक्षा हम कर लेंगे उसके बाद कौन सी बस्ती देनी है ये जब डिसाइड हो जाएगा, तो तभी हम द्रव्य भी कौन सा देना है वो डिसाइड करेंगे। तो अब निरोबस्थी का जो द्रव्य निर्माण का एक क्रम होता है, वो क्रम भी एक फिक्स्ड क्रम है, उसी तरह से वो क्रम आपको फॉलो करना होता है और उसी तरह से दवाइयाँ घोली जाती है, ड्रग्स घोले जाते हैं। तो इसमें देखिए म ल स्ने कक, यानी कि सबसे पहले आता है मधु, उसके बाद लवण, फिर स्नेह, फिर कल्क और फिर क्वाथ। तो सबसे पहले जो है मधु लेना है, उसके बाद उसमें लवण मिलाना है, जब वो अच्छी तरह से मिल जाए तब उसमें हम स्नेह डालेंगे, जो भी हम स्नेह यूज़ कर रहे हैं वो जब अच्छी तरह मिल जाए तब फिर हम उसमें कल्क डालते हैं, और जब ये सब अच्छी तरह मिल जाए तब लास्ट में उसमें क्वाथ पड़ता है। तो अब इसकी भी मात्रा जो है वो फिक्स्ड है। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ साइड में एक छोटा चार्ट बनाया हुआ है, आपको ध्यान में आएगा उसमें। अच्छा, द्रव्य निर्माण में ये क्रम है मधु, लवण, स्नेह, कल्क और क्वाथ, ठीक है। लेकिन मात्रा लिखने के वक्त याद रखने के लिए आपको उल्टा शुरू करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्वाथ, फिर लिखेंगे कल्क, फिर स्नेह, लवण और लास्ट में मधु। तो अब क्वाथ का की जो मात्रा है इसमें मिक्स करने के टाइम पे, तो क्वाथ जो है वो 5 प्रसृत होता है हर इसमें। तो मतलब वात, पित्त और कफ विकृति के हिसाब से मात्रा यहाँ दी हुई है। सॉरी, मैं यहाँ पर ऊपर लिखना भूल गई हूँ। पहला कॉलम जो है वो वात विकृति के लिए है, दूसरा पित्त के लिए है और तीसरा जो है वो कफ के लिए है। तो वात विकृति में जो क्वाथ है वो 5 प्रसृत है, तीनों इसमें ही 5 प्रसृत क्वाथ लेना है आपको। कल्क की जो मात्रा है वो भी तीनों इसमें सेम ही है, एक 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 है। अब स्नेह की जो मात्रा है वो वात के लिए 3 प्रसृत है। याद रखिए वात में हम हमेशा स्नेह ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि स्नेह से वात का नाश होता है। तो स्नेह जो है वात के लिए, वात विकृति के लिए 3 प्रसृत है, पित्त के लिए 2 है और कफ के लिए जो है 1.5 है। उसके बाद लवण जो है वो वात के लिए 1.5 है, पित्त के लिए 2 है और कफ के लिए फिर से 1.5 है। और मधु जो है वो वात के लिए 1.5 है, पित्त के लिए 2 है और कफ के लिए 3 है। तो स्नेह और मधु का आप देखिए, स्नेह जो है वो वात में सबसे ज़्यादा है और कफ में कम है, और मधु में इसी का उल्टा क्रम है। तो मधु जो है वो वात में सबसे कम है और कफ में सबसे ज़्यादा है, और लवण जो है वो वात और कफ के लिए सेम क्वांटिटी में है और पित्त 2 प्रसृत है। तो इस तरह से ये चार्ट की मदद से आप मात्रा किस विकृति में किस तरह की मात्रा में ये द्रव्य मिक्स किए जाएंगे ये आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, क्रम जो है ये एक विशिष्ट क्रम है, ये आपको याद रखना ही है, ये MCQ के लिए भी आ जाता है। तो मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ, इसी सीक्वेंस में हम इन द्रव्यों को मिक्स करते हैं। तो मात्रा आप मतलब जब भी लिखेंगे, अगर आप ये मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ इसी सीक्वेंस में अगर आप मात्रा का कॉलम याद कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पर अगर इस तरह से भी आप लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो निरोहबस्ती द्रव्य निर्माण का जो क्रम है और ये जो सीक्वेंस है, ये भी कई बार SAQ के लिए आ जाता है, MCQ के लिए तो आता ही आता है, इसलिए ये पार्ट थोड़ा आपको ध्यान से लर्न करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं निरोहबस्ती का जो प्रधान कर्म है उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बस्ती दान, यानी कि बस्ती किस तरह से देनी है। तो इसमें सबसे पहले आतुर की हमें शयन व्यवस्था करनी है। तो जिस टेबल पे या जिस जगह पे हम आतुर को सुला रहे हैं तो उसको उसके वाम कुक्षे पर, यानी लेफ्ट करवट लेके हमें उसको सोने के लिए कहना है। तो लेफ्ट करवट पे होने के बाद उसका जो लेफ्ट पैर है, वाम पैर जो है वो सीधा रहेगा, और दक्षिण पैर जो है उसको घुटने से मोड़ना है। तो घुटने से वो आधा फोल्ड कर देगा, जिससे क्या होता है जो रेक्टम है अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाता है एनस, और जो गुदवली है वो सीधी हो जाती है। तो बस्ती देने में आसानी होती है, बस्ती द्रव के तुरंत बाहर निकलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए उसको वाम करवट पे हमें लिटाना है और उसका दक्षिण पैर जो है घुटने से मोड़ देना है। तो अब इसके बाद जो बस्ती पुटक जो दबाना है हमको, वो एकदम सामान्यतः दबाना है, बहुत ज़्यादा धीरे नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं दबाना है। अगर बहुत ज़्यादा हम धीरे दबाते हैं तो हो सकता है दबाते दबाते ही
मतलब पूरा द्रव जो है वो अंदर जाने के पहले ही बाहर निकल के आ जाए, और ज़्यादा तेज़ दबाएंगे अगर तो हो सकता है पूरा का पूरा बस्तीपुटक खाली हो जाए और लास्ट में हवा भी अंदर चली जाए, जिससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा तेज़ इसको दबाना है, और कुछ लिक्विड जो है वो लास्ट में थोड़ा छोड़ देना है। अगर हम पूरी तरह से लिक्विड अंदर छोड़ देंगे, भेज देंगे, तो पूरा बस्तीपुटक जो है खाली हो जाएगा और हवा भी अंदर चली जाएगी। इसलिए लास्ट में कुछ द्रव्य हमको छोड़ देना है ताकि हवा अंदर ना जाए। तो इस तरह से ये बस्ती दान जो है, बस्ती देने का जो विधि है, वो पूरी तरह से आपको लिखनी पड़ेगी जब 15 मार्क का क्वेश्चन आता है तब। ये जो विधि है, शयन व्यवस्था है, ये सब जो है ये दोनों बस्तियों के लिए समान ही है, निरोह बस्ती के लिए भी और अनुवासन बस्ती के लिए भी। तो जैसे मैंने कहा, कुछ पॉइंट्स ही हैं जो डिफ़र करते हैं, बस वो एक दो पॉइंट्स आप अगर लर्न कर लेंगे तो बाकी प्रोसीजर जो है वो पूरा सेम है। कोई भी विधि आया तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रधान कर्म में, निरोह बस्ती के प्रधान कर्म में जो सेकंड पॉइंट आता है वो है निरोह बस्ती का प्रत्यागमन, यानी कि निरोह बस्ती जो दी हुई है उसका लौट कर आना। तो ये काल होता है, ठीक है, इसे बस्ती प्रत्यागमन काल कहते हैं। तो निरोह बस्ती के लिए जो प्रत्यागमन काल होता है ये एक मुहूर्त का बताया है। तो एक मुहूर्त यानी कितना, 45 मिनट्स। तो ये एक MCQ आ जाता है कि निरोह बस्ती प्रत्यागमन काल कितना है। तो एक मुहूर्त है ये 45 मिनट्स है, क्योंकि ये तो शोधन बस्ती है तो ये जल्दी ही लौट आएगी, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी अंदर। तो इसलिए 45 मिनट्स इसका एक मुहूर्त जो है ये इसका प्रत्यागमन काल है। तो ये पॉइंट ज़रूर डालना है आपने प्रधान कर्म जब भी आप निरोह बस्ती का लिखेंगे तब। अब इसके बाद जो निरोह बस्ती के प्रधान कर्म का पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है निरोह बस्ती का सम्यक योग, अयोग और अतियोग। तो ये अगर यहाँ पर तो मैंने सारे के सारे जो है वो लिख के दे दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है और कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया, तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करके ये लिखना है। अगर सपोज 15 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे के सारे ना लिख कर अगर इनमें से चार पाँच लिख देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये सेपरेटली आता है SAQ के लिए या 4 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तब आपको इनमें से मैक्सिमम जितने आपको याद आते हैं उतने सारे के सारे आपको लिखने हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखते लिखते काफ़ी टाइम हो जाता है, इतना कुछ लिखने को टाइम नहीं बचता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये थर्ड पॉइंट प्रधान कर्म में ये होना चाहिए कि निरोह बस्ती का सम्यक योग, अयोग और अतियोग के क्या लक्षण है, ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आप उसमें तीन चार लिख के छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सेपरेटली अगर आता है तब आपको पूरा लिखना है। तो अगर निरोह बस्ती का सम्यक योग होता है तो देखिए जो लक्षण होते हैं वो है मलमूत्र वायु का जो है उत्तम रूप से प्रवृत्ति होती है, कुछ भी रुकावट नहीं होती है उसमें, भोजन में रुचि बढ़ जाती है, अग्नि की वृद्धि हो जाती है, अग्नि बढ़ जाती है, पक्वाशय और बाकी सब आशय जो है उनमें लाइटनेस आ जाता है, लघुता आ जाती है, और रोग जो है जिस रोग के लिए हमने बस्ती कराया है वो रोग शांति हो जा उसकी शांति हो जाती है, कम हो जाता है, वो स्वास्थ्य अनुकूल रहता है आतुर का, और उसका शरीर का बल जो है वो भी बढ़ जाता है। अब अगर निरोह बस्ती का आयोग होता है तो क्या होता है, तो आतुर में जो है आपको हेडेक जो है शिरशूल हो सकता है उसको, हृदयशूल हो सकता है, छाती में दुखने जैसा हो सकता है, गुदाशूल हो सकता है उसको, बस्ती शोथ हो जाता है, लिंग शोथ भी हो जाता है, प्रतिशय हो सकता है, गुदा में विकर्तिका जो मतलब कैंची से काटने वाला जो फीलिंग होता है वो हो सकता है, जी मचलाता है उसका, वायु मलमूत्र में रुकावट हो जाती है, और जो श्वास जो है उसकी वृद्धि भी हो सकती है। तो ये सब अयोग के लक्षण हैं। और अतियोग में जो है वो है विरेचन के जो अतियोग के लक्षण हैं, वही निरोह बस्ती के अतियोग में भी वही सेम लक्षण होते हैं। तो आप वही याद कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है या SAQ के लिए पूछा गया है, उस हिसाब से आप यहाँ पर टाइम देख के आप लिखिए कि कितने लक्षण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भी निरोह बस्ती का प्रधान कर्म है जो वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे निरोह बस्ती का पश्चात कर्म में हमको क्या क्या करना होता है। तो अब बस्ती दे दिया, अभी हो गया निरोह बस्ती का जो विधि है वो हो गया है। इसके बाद जो पश्चात कर्म है उसमें आपको देखना है कि व्यापद कुछ हो रहे हैं क्या। तो व्यापद यानी कि कुछ उपद्रव उसमें हो रहे हैं क्या निरोह बस्ती में, तो वो 12 व्यापद हैं जो चरक ने बताए हुए हैं, ये भी MCQ आ जाता है। तो ये 12 व्यापद जो है इनके नाम लिख के बस आप छोड़ दीजिए, चिकित्सा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग से आपको पूछा जाता है निरोह बस्ती मतलब निरोह बस्ती के व्यापद क्या है, उपद्रव क्या है, तो वहाँ पर आपको आप 12 के 12 नाम लिख के फिर उनकी चिकित्सा भी आपको लिखनी होती है। तो ये एक अलग वीडियो में हम देखेंगे, इसका बस्ती व्यापद का तो पूरा एक अध्याय है अलग
चरक संहिता में, तो इसलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। अगर 15 मार्क्स के लिए आपको निरव बस्ती का विधि का क्वेश्चन आता है तो उसमें बस आप व्यापद के जो 12 नाम हैं वो लिख के आप छोड़ दीजिए, या कम से कम आप संख्या मेंशन कर दीजिए कि 12 व्यापद हैं। अगर आपको नाम जो याद आते हैं आप लिखिए, अगर नहीं भी याद आते हैं तो कम से कम 12 व्यापद है ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो व्यापद हैं वो है अयोग, यानी कि निरोह बस्ती का अयोग या फिर अतियोग, फिर क्लम, आधमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति, गुरुद्वगमन, प्रवाहिका, शिरशूल, अंगों में वेदना, परिकर्तिका और परिस्त्राव, ये 12 व्यापद चरक ने निरोह बस्ती के बताए हुए हैं। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए अगर आया तो ये 12 नाम आपको लिखने होंगे। अगर और थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो इसकी चिकित्सा भी आपको लिखनी होती है, तो वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके बाद जो निरोह बस्ती का पश्चात कर्म का पॉइंट आता है वो है पथ्यापत्य के बारे में, यानी कि आतुर को क्या खाना है बस्ती विधि हो जाने के बाद में। तो इसमें सबसे पहले तो उसे हमें आराम कराना है, उसके बाद उसको कोष्ण जल से हमें स्नान कराना होता है, उसके बाद उसको शाली चावल हम देते हैं पतले मांसरस के साथ में। तो अब इसमें भी विकृति के हिसाब से, दोषी कौन सी विकृति है उसके हिसाब से यहाँ पर किसके साथ भोजन कराया जाना चाहिए वो उसका विधान बताया हुआ है। तो वात विकृति अगर है, जैसे वात रोग में हमने बस्ती दिया हुआ है, तो मांसरस के साथ आतुर को भोजन कराना है। अगर पित्त विकृति में किया है तो उसको दूध के साथ भोजन कराना है, और कफ के लिए अगर हमने किया है तो यूज के साथ भोजन कराना है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है कि किस दोष के लिए किस भोजन के साथ किसके साथ भोजन कराना है। तो वात के लिए मांसरस है, पित्त के लिए दूध है, और कफ के लिए यूज है। अब इसके बाद में जो संयम नियम जो होते हैं, विहार जो होता है वो हमें उसको बताना है, जो अष्टमहादोषकर भाव जो है, जो वर्जित बताए हुए हैं वो यहाँ पर लिखना है आपको। उसका श्लोक आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, तो ये एक ऐसा श्लोक है जो आप हर पंचकर्म की विधि में इसके बारे में इस श्लोक को आप डाल सकते हैं। जो अष्टमहादोषकर भाव है, वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया, हर इसमें इस एक श्लोक को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक श्लोक लर्न कर लेंगे तो हर जगह आपको काम में आएगा। तो ये तीन पॉइंट्स हो गए निरोह बस्ती के पश्चात कर्म में। सबसे पहला जो है वो है उपद्रव, सेकंड पॉइंट जो है वो है पथ्यापथ्य, और थर्ड जो है वो है विहार, यानी कि संयम नियम जो भी पालन करना है वो। अब इसके बाद हम अनुवासन बस्ती के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुवासन बस्ती के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, जनरल पॉइंट्स जो है वो सेम ही है दोनों के लिए, निरोह हो चाहे अनुवासन हो। तो बस्ती की निरुक्ति यहाँ लिखनी है आपको, वस धातु में तिच प्रत्यय वही हो गया। बस्ती की व्याख्या फिर से लिख देनी है, संस्नेह काय सपुरुष दोष सम्यक सुखे नेति चय स बस्ती, ये हो गया श्लोक। और फिर अनुवासन बस्ती का अर्थ जो है, जैसे हमने उसमें निरोह बस्ती का अर्थ लिखा था, तो इसमें जो है अनुवासन बस्ती का अर्थ आपको लिखना है कि शरीर के अंदर रहने से भी जो दूषित नहीं होती है, या फिर जिसका प्रयोग जो है प्रतिदिन किया जा सकता है, ऐसी बस्ती को हम अनुवासन बस्ती कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आ जाते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था, इसी में आप अनुवासन बस्ती का पर्याय जो है स्नेह बस्ती वो भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, बस अनुवासन बस्ती का अर्थ अलग है, निरोह बस्ती का अर्थ अलग है, वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है अनुवासन बस्ती के अयोग्य रोग रोगी सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद योग्य लिखना है। तो अयोग्य में जो है जिन्हें निरोह बस्ती नहीं देनी चाहिए उन्हें ही अनुवासन बस्ती भी नहीं देनी चाहिए, और जिन्हें निरोह बस्ती दे सकते हैं उन्हें ही अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। तो आप वो एक ही योग्य अयोग्य अगर लर्न कर लेंगे तो दोनों ही जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये रिपीट यहाँ पर ये स्लाइड लिखने का मेरा एक ही इंटेंशन था कि अगर आप नोट्स डाउनलोड करें या प्रिंट करें या अपने पास रखना चाहें तो निरोह बस्ती का पूरा एक जनरल फॉर्मेट आपके पास रहेगा और अनुवासन बस्ती का पूरा एक आपके पास रहेगा। तो अगर आप सिर्फ निरोह का चाहते हैं या सिर्फ अनुवासन का चाहते हैं तो उस तरह से भी आप डाउनलोड करके एक साथ अपने पास रख सकते हैं। अगर दोनों मिक्स करके मैं लिखती तो आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक लिखना है वो आपको आइडिया आना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने ये रिपीट स्लाइड्स कुछ यहाँ पर फिर से बनाए हैं। तो अब इसके बाद जो अनुवासन बस्ती का पूर्व कर्म है, जैसे इसको भी हम तीन पार्ट में लिखेंगे, पूर्व कर्म हो गया, फिर प्रधान कर्म, फिर पश्चात कर्म। तो इसके पूर्व कर्म में भी वही आएगा सब कुछ, संभार संग्रह होगा, द्रव्य संग्रह जो है, इक्विपमेंट हम कलेक्ट करेंगे, बस्ती नेत्र स्नेह तेल पिचू बस्ती पुटक परिचारिका उसकी शैया, ये सब कुछ ये सब इसमें द्रव्य संग्रह में संभार संग्रह में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रधान कर्म क्या है। अब इसके बाद पूर्व कर्म में जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा आतुर परीक्षण के बारे में।
तो वो भी कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। आतुर की जो अष्टविध या दशविध परीक्षा हमें करनी होगी, जिससे कि उसे क्या बीमारी है, किस तरह उसकी कौन सी बस्ती होनी चाहिए, कौन सा द्रव्य देना चाहिए, ये सब हम उसके ऊपर निश्चित करेंगे। कितनी मात्रा होनी चाहिए ये सब निश्चित होगा। इसके लिए आतुर परीक्षण जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट वो आता है। उसके बाद जो है आतुर सिद्धता, तो ये जो हो गया ये अनुवासन और निर्वह के लिए ये एक अलग पॉइंट आ जाता है। तो वहाँ पर जैसे वो अभुक्त अवस्था में हम करते हैं, खाली पेट में करते हैं निर्वस्थी, अनुवासन के लिए भुक्त अवस्था होनी चाहिए। तो मतलब खा के उसको थोड़ा चक्रमण वगैरह कराना है, मलमूत्र का त्याग वो कर दें, उसके बाद हमें अनुवासन बस्ती देनी होती है। तो अब ये नहीं कि मतलब हमें स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती जो है वो स्नेहिक बस्ती है, तो अब ये नहीं कि उसको स्नेह भी पिला देना है हमको, ये नहीं कि उसको स्नेह भी पिला भी रहे हैं और यहाँ से स्नेह बस्ती भी दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। उसको बहुत रुक्ष अन्न भी हमको नहीं खिलाना है, लेकिन उसको स्नेह भी नहीं पिलाना है। तो नॉर्मल सा खाना, जो हल्का सुपच जो होता है, इस तरह का खाना अनुवासन बस्ती देने के पहले देना है। मलमूत्र का त्याग करवाना है, चक्रमण करवाना है, और फिर सुखद आसन देकर उसको हमको अनुवासन बस्ती करानी है। तो ये एक MCQ आ जाता है कि भुक्त अवस्था में कराना है, अभुक्त अवस्था में कराना है। तो अनुवासन के लिए भुक्त है और निरोह के लिए अभुक्त है, ये याद रखिए। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो है अनुवासन बस्ती की जो मात्रा है या फिर संख्या है वो क्या है। तो इसके ऊपर MCQ आते हैं, SAQs भी बहुत बार आते हैं। तो जैसे निरूह बस्ती की मात्रा के लिए वो चार्ट हमने बनाया है वहाँ पर, उसी तरह से इसके लिए भी जो है ये आपको लर्न करना है। ये कई बार आता है, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो अनुवासन बस्ती का ये याद रखिए कि हमेशा विषम संख्या में दी जाती है, ऑड नंबर में दी जाती है। तो वात के लिए जो है वो 9 या 11 देनी होती है। 9 से 11 नहीं लिखना है आपको, यानी 9 से 11 क्या हो गया, 10 भी हो गया फिर उसमें, तो वो विषम नहीं होता है। तो या तो 9 देनी है या 11 देनी है, तो 9 के आगे है। वात के लिए 9 या 11 है। पित्त के लिए 5 या 7 है, और कफ के लिए 1 या 3 है। तो उसको 9-11 मत कीजिए, 9 से 11 भी मत लिखिए। 9/11 आप कर सकते हैं, या सीधे सीधे हिंदी में आप या करके लिख दीजिए वहाँ पे। तो 9 या 11 है वात के लिए, 5 या 7 है पित्त के लिए, और 1 या 3 है कफ के लिए। तो ये MCQs हैं, वात के लिए कितना, पित्त के लिए कितना, और कफ के लिए कितनी संख्या होती है अनुवासन बस्ती की। उसके बाद अनुवासन बस्ती के लिए तो काल विचार भी बताया है, जैसे कि शीतकाल में कब देना है, उष्णकाल में कब देना है। तो शीतकाल जो है हमारा, शीत ऋतु जो है, हेमंत हो गया, शिशिर है, फिर वसंत ऋतु है, तो इनमें आपको दिन में देनी है अनुवासन बस्ती। और उष्णकाल जो है, जो शरद, ग्रीष्म और वर्षा जो है, इनको इनमें रात में देनी है अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती की संख्या के साथ में आपको काल विचार का भी पॉइंट वहाँ पे डालना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी MCQs आते हैं। अब अनुवासन बस्ती का जो द्रव्य है, इसमें कोई खास क्रम नहीं है, जैसे निरोह बस्ती में था हम पहले मधु, फिर लवण, फिर स्नेह, ये सब ऐसा क्रम इसमें कुछ नहीं है। ये सिद्ध स्नेह होते हैं या फिर स्नेह होते हैं। तो ये 1-2 कल्प के नाम आप यहाँ पर लिख कर आप छोड़ सकते हैं, अनुवासन बस्ती के लिए कौन से द्रव्य यूज़ किए जाते हैं, तो 1-2 नाम लिख के आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो इसके पहले जो है रोगी को चतुर्थांश मात्रा में हमको हितकर सुपच भोजन देना, यानी कि जितना नॉर्मल क्वांटिटी वो खाता है, तो उसके 1/4 चतुर्थांश मात्रा में उसको हितकर जो पथ्यकर आहार विहार वो कराना है, इजीली पचने वाला भोजन देना है। उसके बाद थोड़ा चक्रमण कराना है, घुमाना फिराना है, चलाना है उसको थोड़ा सा इधर उधर। उसके बाद वो मलमूत्र का त्याग कर दे, उसके बाद हम उसे सुखद शैया देंगे और हमारा आगे का जो है विधि वो शुरू करेंगे। तो ये सब आपको अनुवासन बस्ती की मात्रा और संख्या के पॉइंट के नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तक अनुवासन बस्ती का जो पूर्व कर्म है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो अनुवासन बस्ती का प्रधान कर्म है वो स्टार्ट होगा, वो पॉइंट आप लिखेंगे। तो प्रधान कर्म में आप वैसे ही लिखेंगे जो निरोह बस्ती में हमने देखा है। सबसे पहला पॉइंट जो है बस्ती दान, यानी कि बस्ती देना। तो इसमें भी वैसा ही सब है, आतुर की जो शयन व्यवस्था करनी है, वाम कुक्षे पर करना है, वाम पैर सीधा करना है, दक्षिण पैर को घुटने से मोड़ना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये क्यों करना चाहिए, वो आपको लिखना है। और पुटक जो है वो सामान्यतः दबाना है, धीरे नहीं, तेज नहीं, और लास्ट में कुछ द्रव्य हमको शेष रखना है। तो यही पॉइंट्स निरोह बस्ती के, बस्ती दान के जो पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर भी है। तो एक ही सेट आप लर्न कर लेंगे तो आप दोनों जगह पे लिख सकते हो, कॉमन भी, जनरल इसमें अगर सिर्फ बस्ती विधि भी आता है तो भी आप लिख सकते हो।
अब इसके बाद अनुवासन बस्ती के प्रधान कर्म में जो पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो है अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन, यानी कि दी हुई अनुवासन बस्ती जो है वो लौट कराना। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है निरोह में और अनुवासन में। निरोह बस्ती का हमने क्या देखा था कि एक मुहूर्त यानी कि 45 मिनट्स में वो बस्ती वापस आती है। अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल है 3 याम यानी कि 9 घंटे। अब ऐसा क्यों है? अनुवासन बस्ती क्या है? ये एक स्नेहिक बस्ती है, राइट? तो स्नेहिक बस्ती जो है ये अगर कुछ देर तक हमारे शरीर में रहेगी तभी वो अच्छे से अपना असर करेगी, तो इसलिए इसका कुछ देर तक बॉडी में रहना ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो तुरंत बाहर ना आ जाए इसके लिए भी हमें कुछ प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि जो आतुर है उसका जो नितंब का जो पोर्शन है उसकी टांगे जो है उसको हमें कुछ ऊपर की तरफ उठाना है, थोड़ा एलिवेटेड करके रखना है, जिसकी वजह से कि बस्ती द्रव्य जो है वो तुरंत बाहर ना निकल आए। और ये 3 याम तक यानी कि 9 घंटे तक अगर ये शरीर में रहे तो ये अच्छी तरह से अपना असर करेगी। तो इसलिए इस तरह से उसकी शयन स्थिति में भी थोड़ा चेंज हमको बस्ती देने के बाद करना पड़ेगा। उसके टांगों को थोड़ा थपथपाना पड़ेगा, थोड़ा सा तकिया लगा के या कुछ करके उसको एलिवेटेड करना पड़ेगा जिससे कि द्रव्य बाहर ना निकले। तो ये एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे कि प्रत्यागमन काल तो इसका हो गया 9 घंटे, ये तो ठीक है, पर ये क्यों ज़रूरी है? ये स्नेहिक बस्ती है और ये शरीर के अंदर कुछ घंटों तक रहनी चाहिए, तो इसलिए ये इसका जो है प्रत्यागमन काल वो इतना ज़्यादा होता है। शोधन बस्ती का जो निरोह बस्ती है उसका कम होता है। तो ये पॉइंट ये थोड़ा आप मेंशन करके डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्यों ये ज़्यादा है, किस तरह से हम उसको बाहर आने से रोक सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। अब इसके बाद अनुवासन बस्ती के प्रधान कर्म में जो थर्ड पॉइंट है वो है अनुवासन बस्ती का सम्यक योग, हीन योग, अति योग। तो ये वही सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने निरोह बस्ती के लिए दिखा है, या जनरल हम बस्ती विधि के लिए जो लिखेंगे ये यही सीक्वेंस है। पूर्व कर्म में अलग पॉइंट्स आएंगे, प्रधान कर्म में ये 3 पॉइंट्स आएंगे और पश्चात कर्म में फिर अलग से आएंगे। तो प्रधान कर्म का ये लास्ट पॉइंट आपका है कि सम्यक योग और हीन योग और अति योग क्या है अनुवासन बस्ती के। तो फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर 15 मार्क्स के लिए आता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तीन चार पॉइंट्स लिख के छोड़ दीजिए। और अगर अलग से क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों के लिए तो आपको ये पूरा एक एक पॉइंट इसमें से लिखना पड़ेगा। तो अनुवासन बस्ती के सम्यक योग में जो लक्षण है वो है कि मल के साथ जो तैल, जो स्नेह हमने दिया हुआ है तो वो गुदा से बाहर आ जाता है बिना किसी रुकावट के, आराम से आ जाता है। और रक्तादि धातु जो है, बुद्धि है, इंद्रिया है, जो ये स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, निद्रा अच्छी आती है, शरीर में हल्कापन, लाइटनेस लगता है, एकदम बल में वृद्धि हो जाती है, बल बढ़ जाता है। और मतलब प्रवृत्ति जो है उसमें कोई किसी तरह की उसके वेगों में रुकावट नहीं होती, बिना बाधा के मल प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये सम्यक योग के लक्षण हैं। हीन योग में क्या होता है? अधः प्रदेश में जो है बहुत पीड़ा होगी रोगी को, उसके उदर बाहु पीठ और पार्श्वों में भी पीड़ा होगी। आतुर को जो है रूखापन और खुरदरापन महसूस होगा उसके शरीर में, त्वचा में ड्राइनेस सी हो जाएगी बहुत, मलमूत्र और वायु जो है उसमें भी रुकावट हो जाएगी। और अतियोग में क्या होगा? अतियोग में जी मचलाएगा, स्नेह है इतना सारा, अगर शरीर में अतियोग हो गया उसका तो उससे जी मचलाएगा, मोह हो जाएगा, क्लम हो जाएगा आतुर को, उसके शरीर में शिथिलता आ जाएगी, एकदम मतलब जैसे थकान हो गई है बहुत ही सारी, इस तरह से हो जाएगा ढीलापन, और फिर मूर्छा भी आ सकती है और विकृतिका भी होती है, तो जो कैंची से काटने वाली फीलिंग है वो भी हो सकती है। तो ये सम्यक योग, हीन योग और अतियोग के लक्षण हैं। 15 मार्क्स के लिए आता है, दो तीन चार ज़्यादा से ज़्यादा लिख के छोड़ दीजिए। अगर ऐसे क्यों के लिए आता है 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, तब फिर आपको पूरे पॉइंट से डिटेल में लिखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो है अनुवासन बस्ती का जो पश्चात कर्म है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स आएंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट है उसके उपद्रव, अनुवासन बस्ती के उपद्रव क्या है और उनकी चिकित्सा। तो जैसे निरोह बस्ती के लिए भी मैंने कहा है कि आपको देखना है आपके पास कितना टाइम है और आप कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो अगर व्यापक पॉइंट आप लिख रहे हैं, अगर 15 मार्क के लिए है तो उसमें आप बस ये व्यापक जो है उनका नंबर तो आपको लिखना ही है, उसके बाद अगर आपको ये व्यापक याद है तो इनके बस नाम लिख के आप छोड़ दीजिए। इनकी चिकित्सा जो है ये अगर डिटेल में आप लिखेंगे काफ़ी टाइम जाता है आपका, तो इसलिए वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्यापद हम अलग से, मैंने कहा हम अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे बस्ती व्यापद में, तो इसलिए वो चिकित्सा वगैरह हम सब वहाँ पर उसका डिस्कशन करेंगे। ये 15 मार्क्स के लिए चिकित्सा आपको लिखनी भी नहीं है, आपको बस नंबर लिखना है
और जो 6 व्यापद है वो लिख देने हैं, नीरो बस्ती के जो 12 है वो लिख देने हैं, और चिकित्सा वो सब आपको मेंशन यहाँ पे नहीं करनी है। अगर डिटेल क्वेश्चन अगर आपको बस्ती व्यापद पे आता है तो उसमें फिर बस्ती व्यापद अगर पूछा है तो दोनों बस्तियों के व्यापद आपको लिखने होंगे, नीरोह के भी और अनुवासन के भी। अगर या तो सिर्फ पर्टिकुलर पूछा है नीरो बस्ती के व्यापद लिखिए तो सिर्फ उसी के लिखने हैं, फिर आपको अनुवासन के नहीं लिखने हैं। तो ये डिफरेंस आप दोनों इसमें आप ध्यान रखिए। तो जो 6 व्यापद है अनुवासन बस्ती के वो क्या है, वात पित्त कफ, यानी कि वात से आवृत हो जाता है स्नेह जब पित्त से आवृत होता है, कफ से आवृत होता है, तो ये व्यापद है। फिर अत्यधिक भोजन से हो जाता है, पुरुष से आवृत हो जाता है, और अगर बिना भोजन के स्नेह बस्ती का अगर प्रयोग किया जाए तो व्यापद होते हैं। तो ये 6 तरह के व्यापद होते हैं अनुवासन बस्ती में, इनके बस नाम लिख के आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अनुवासन बस्ती के पश्चात कर्म में फिर से वैसे ही निरुह बस्ती जैसे पॉइंट आएंगे, पथ्यापथ्य आएगा और विहार आएगा, जो संयम नियम है वो आएंगे। तो ये सेम ही है जैसे निरुह बस्ती के लिए, ऐसे ही अनुवासन बस्ती के लिए है, सेम गाइडलाइंस है। तो ये दोनों ही आप एक ही बार लर्न कर लेंगे तो दोनों जगह आप इसको लिख सकते हैं। फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि रिपीट स्लाइड्स मैंने इसलिए प्रिपेयर किए हैं कि एक ही साथ इकट्ठे आपको निरोह बस्ती का सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए और अनुवासन बस्ती का सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए। तो इस तरह से ये पश्चात कर्म जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अनुवासन बस्ती के लिए। तो हमने दोनों तरह की बस्तियों का विवेचन देख लिया है। तो अभी लास्ट में मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी डाला है दोनों का, निरोह बस्ती का जिसे हम आस्थापन बस्ती भी कहते हैं और अनुवासन बस्ती का जिसे हम स्नेहिक बस्ती भी कहते हैं। तो निरोह बस्ती अनुवासन बस्ती में जो कॉमन पॉइंट्स है वो भी यहाँ मेंशन किए हैं मैंने, और जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो भी बताए हुए हैं। तो ये निरुक्ति परिभाषा और ये एक पॉइंट बताना रह गया कि निरोह बस्ती के गुण या उसका लाभ जो है वो निरोह बस्ती के अंडर आपको लिखना है, और अनुवासन बस्ती के गुण या लाभ जो है वो आपको अनुवासन बस्ती के अंदर लिखना है। ये पॉइंट मैं कवर करना भूल गई थी, तो ये मिल जाएगा चरक संहिता में आपको, सिद्धि स्थान में अध्याय 1, 2, 3 में आपको मिल जाएगा। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, निरुक्ति परिभाषा, उसके गुण, योग्य अयोग्य, रोगी जो है वो, और इनका श्लोक जो है निरोह बस्ती के लिए जो श्लोक है, अनुवासन बस्ती के लिए जो श्लोक है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो कम से कम बस्ती की व्याख्या का जो श्लोक है परिभाषा में वो आप वहाँ पर लिख दीजिए, दोनों जगह के लिए कॉमन हो जाएगा। और फिर आएगा पूर्व कर्म, तो वो दोनों के लिए सेम ही आता है, द्रव्य संग्रह होगा, आतुर परीक्षण होगा, आतुर सिद्धता। बस इसी में आतुर सिद्धता में एक पॉइंट चेंज हो जाता है, जो निरोह बस्ती अभुक्त अवस्था में दी जाती है और अनुवासन बस्ती जो है भुक्त अवस्था में दी जाती है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। फिर निरोह बस्ती की द्रव्य की मात्रा जो है, बस्ती मात्रा, उसका चार्ट जो हमने 1 से 18 और फिर 70 साल वो जो प्रिपेयर किया था वो आपको यहाँ लिखना है। और इसमें अनुवासन बस्ती में आपको संख्या लिखनी है, जो वात पित्त कफ के लिए जो 9 या 11, 5 या 7 वो जो बताया वो लिखना है। और निरोह बस्ती में आपको द्रव्य कल्पना के निर्माण विधि का जो सिक्वेंस है वो आपको लिखना ही है, वो लिखना ही है, मधु लवण स्नेह कल्क क्वाथ, ये सिक्वेंस आपको लिखना ही है। और साथ में अगर आप उसकी मात्रा लिख पाएँ उसके साइड में तो बहुत ही बेहतर है। और इसमें तो ऐसा कोई क्रम है नहीं कि द्रव्य इसी क्रम में मिलाने हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन काल विचार का एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आपको अनुवासन बस्ती में लिखना है, शीतकाल में कब देना है, उष्णकाल में कब देना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये पूर्व कर्म में ये सब पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो कॉमन अनकॉमन दोनों ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। अब इसके बाद देखिए प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में क्या है कंपैरेटिव पॉइंट्स। तो प्रधान कर्म में निरुह बस्ती में आपको निरुह बस्ती दान, जो बस्ती दान है वो दोनों के लिए सेम ही है, वो पोजीशन कैसी है आतुर की वो सब वो सेम ही है। उसके बाद जो प्रत्यागमन काल है वो दोनों का डिफरेंट है। निरुह बस्ती के लिए आपको एक मुहूर्त लिखना है, क्यों होता है वो लिखना है, क्योंकि ये शोधन बस्ती है तो ये जल्दी लौट आती है, तो ये आपको लिखना है। अनुवासन बस्ती का जो प्रत्यागमन काल है वो 3 याम है, यानी कि 9 घंटे, तो ये क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये स्नेहिक बस्ती है, ये अगर थोड़ी देर स्नेह शरीर में रहेगा तभी ये अच्छा काम करेगा, तो इसलिए ये अधिक समय तक शरीर में रहना ज़रूरी है। और किस तरह से हम कर सकते हैं, थोड़ा टांगों को ऊपर उठा के एलिवेटेड करके, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो प्रधान कर्म में लास्ट पॉइंट आता है वो है सम्यक, हीन और अतियोग के लक्षण। कुछ थोड़े बहुत लक्षण लिख के आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, सेम वेज अनुवासन बस्ती के लिए भी सम्यक, हीन, अतियोग के थोड़े थोड़े लक्षण लिख के आप छोड़ दीजिए।
फिर जो है पश्चात कर्म, वो दोनों के लिए सेम ही है। तो व्यापद लेकिन दोनों के अलग है, संख्या अलग है। निरोह के व्यापद जो है वो 12 है, अनुवासन के जो है वो 6 है। तो उन 12, ये संख्या तो आपको लिखनी ही है। अगर उन 12 के नाम याद आते हैं तो वो निरोह बस्ती में लिख दीजिए, 6 के नाम याद आते हैं तो अनुवासन बस्ती में लिख दीजिए। अगर नहीं भी तो कम से कम संख्या आपको लिखनी ही है। चिकित्सा उनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बस्ती व्यापद के अलग वीडियो में देखेंगे। और चिकित्सा जो है वो सब डिटेल में, अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है बस्ती व्यापद के ऊपर या निरूह बस्ती व्यापद के ऊपर या अनुवासन बस्ती व्यापद के ऊपर, तो उसी में ही आपको ये डिटेल में लिखना है। अदरवाइज़ बस उपद्रव की संख्या और उनके नाम बस लिख के आप छोड़ दीजिए। फिर आता है जो पथ्यापथ्य आहार विहार, ये दोनों में ही सेम ही है। और याद रखना है आपको कि इसमें संसर्जन क्रम हम नहीं लिखते हैं। जो वमन और विरेचन में लिखना ही लिखना है, इसमें अगर नहीं लिखा आपने तो उसमें आपके मार्क्स कटते हैं, जबकि यहाँ पर बस्ती के लिए कोई संसर्जन क्रम नहीं है। तो ये दोनों का कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर ये चार्ट में आपको आ जाएगा, जनरल गाइडलाइंस। और एक जो फर्स्ट स्लाइड, जो आप अगर वापस रिवाइंड करके देखेंगे तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बस्ती विधि इन जनरल लिखने के गाइडलाइंस उस फर्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बस्ती विधि का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो में कवर किया है, निरूह बस्ती का अलग से, अनुवासन बस्ती का अलग से। और अगर इन जनरल लिखना पड़ता है, सिर्फ कॉमनली अगर बस्ती विधि पूछा जाता है तो उसमें क्या लिखना है, वो भी हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। तो काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये और काफ़ी बड़ा वीडियो भी है ये, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्लाइड्स कई सारे इसमें कॉमन है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही सारे कॉमन हैं। कुछ कुछ सेपरेट पॉइंट्स हैं, अगर आप एक जनरल गाइडलाइन लर्न कर लेते हैं और वो सेपरेट पॉइंट्स बस आप अगर लर्न कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको ये इतना एलैबोरेट चैप्टर लर्न भी करने में और लिखने में भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, ऑडियो नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप अगर हमारे वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर ये सारे ही नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम के पहले दिन ये डिटेल चैप्टर सारे आसानी से आप नोट्स के सहारे याद करके जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उन पे शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। और अभी इस वीडियो में हमने बस्ती कर्म काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, फिर भी अगले वीडियो में कुछ चीज़ें बच जाती है। जैसे मैंने कहा था बस्ती नेत्र जो है वो हम उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं बस्ती से रिलेटेड, थोड़े बहुत बचे हुए तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।